हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसके वर्सेस हैदराबाद के बीच में जो मैच होने वाला है, इस मैच के बारे में। इस मैच के सारी डिटेल्स और एनालाइज करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, ये मैच जो होने वाला है वो पुणे में होने वाला है, जो कि अब इस बार जो है चेन्नई की जो है होम ग्राउंड है। तो फ्रेंड, पिच कैसा है? प्रीवियस मैच जब पुणे में हुआ था आरसीबी के खिलाफ, तो उस मैच पे जो है बॉलिंग स्पिन फ्रेंडली जो पिच था वो था, जिस पे आरसीबी ने अराउंड 130 रन बनाया था, जो कि चेन्नई ने बहुत ही आसानी से दो बार पहले मैच को जीत लिया था। तो फ्रेंड, आप कोशिश कर सकते हैं कि ज़्यादातर जो है स्पिनर को लेने की, लेकिन शायद अभी हालांकि पिच रिपोर्ट नहीं आई है, तो आप चाहें तो पिच देखने के बाद, या फिर अगर आपने मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर लीजिए। इस पे आपको पिच रिपोर्ट का जो है न्यूज़ मिल जाएगा, क्योंकि अभी पिच रिपोर्ट जो है सामने नहीं है। तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं प्लेइंग एलेवन के बारे में। न्यूज़ यहाँ पे आपको अगर प्लेइंग एलेवन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई इंजरी की अभी तक उतना कंसर्न नहीं है। तो मैंने सिर्फ़ यहाँ पे स्क्वाड दिया है। स्क्वाड मैंने यहाँ पे क्यों दिया है ये भी मैं बताऊँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नए हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, और वीडियो को लाइक तो करना ही है। सीएसके की बात करें तो एमएस धोनी, सैम बिलिंग, अंबाती राइडू, सुरेश रैना, ड्वेन ब्रावो, सेम ऑटसन, रविंद्र जडेजा, यहाँ तक कंफर्म है। लेकिन धोनी ने भी जो है मैच पे जो कहा है कि वो जो है अपनी बॉलिंग को लेके 100% कॉन्फिडेंट नहीं है। तो फ्रेंड, यहाँ पे बॉलर्स पे आपको बहुत सारी चेंजेस देखने को मिल सकती है नेक्स्ट मैचेस पे, तो यहाँ तक मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे चला जाता हूँ एसआरएच के। तो यहाँ पे जो है गोस्वामियों को फिर से एक मौका मिलेगा, वहीं पे केम विलियमसन, शिखर धवन, मनीष पांडे, एलेक्स हेल, शकीबुल हसन, यूसुफ पठान, संदीप शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौर, राशिद खान, अनचेंज शायद हैदराबाद जा सकती है। तो यहाँ पे बॉलिंग के ज़्यादातर खेलने के चांस मैं आपको बता देता हूँ। हरभजन सिंह, डेविड उली या इंगिडी में से, या फिर अगर दीपक चहर 100% फिट है तो करण शर्मा या फिर शार्दुल ठाकुर की जगह पे जो है आ सकते हैं। एक और आउटसाइड चांसेस है, जो कि सैम बिलिंग को ड्रॉप करके जो है इमरान ताहिर जो है शायद जो है टीम में वापसी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके अलावा भी इसके यहाँ पे अगर हम सीएसके के बाद देखें स्क्वाड में, ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जिसे वो इस मैच पे मौका दे सकते हैं। जैसे ही मैंने आपको कहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ गया, यहाँ पे आप इमरान ताहिर को मौका मिल सकता है फिर से, ठीक है। इसके अलावा भी जो यहाँ पे एक मैच यहाँ पे जो किस्ती शर्मा को मौका मिल सकता है। तो फ्रेंड, कुछ इस तरह प्लेयर को जो है मौका मिल सकता है। ध्रुव राठी, ध्रुव शॉट को जो है एक ही मैच दिया गया था, उसके बाद उसे ड्रॉप कर दिया गया है। सो फ्रेंड, कुछ ऐसे चेंजेस अब आपको देखने को बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जो लगभग सीएसके जो है क्वालिफाई कर चुकी है, तो वो लोग भी चाहेंगे कि क्वालिफायर से पहले वो लोग की एक स्ट्रॉन्ग टीम बन जाए, जिसमें उसे सारे प्लेयर को जो है वो लोग टेस्ट आउट कर ले। तो फ्रेंड, दोनों ही टीम जो है लगभग कंफर्म है क्वालिफाई करने के लिए, तो इसलिए भी थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकती है। तो बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम के बारे में। तो अगर आपने मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, जो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं विकेट कीपर से। विकेट कीपर पर आपके पास यहाँ पर दो अवेलेबल ऑप्शन रहेंगे, एक एम एस धोनी और दूसरा श्रीवास्तव गोस्वामी, जो कि आप ग्रैंड लीग में इसे ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं बॉलर्स की। तो यहाँ पे आपके पास सुरेश रैना, शिखर धवन, केम विलियमसन, अंबाती राइडू, अगर आप नीचे आएंगे वहीं पे सैम बिलिंग, और यहाँ पे मैंने यूसुफ पठान को लिया है। आप चाहें तो सेफ जाने के लिए जो है सैम बिलिंग को ड्रॉप करके जो है यहाँ पे आप मनीष पांडे को ले सकते हो, या फिर आप अंबाती राइडू या शिखर धवन को भी ले सकते हो। तो बात करते हैं ऑलराउंडर की। तो यहाँ पे सेम ऑटसन, ड्वेन ब्रावो, शकीबुल हसन, रविंद्र जडेजा, ये चारों आपके लिए सेफ एंड बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। हालांकि जडेजा जो है तो बहुत ही नीचे बैटिंग करते हैं, तो आपके लिए उतना अच्छा ऑप्शन नहीं होंगे इस मलिक के लिए। बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार की। तो यहाँ पे अगर आप बॉलिंग देख सकते हैं तो हैदराबाद की बॉलिंग जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान,
शार्दुल ठाकुर को मैंने यहाँ पे लिया है, तो उसके अलावा यहाँ पे मैंने सिद्धार्थ कौर को लिया है, और अगर आप नीचे आएंगे तो मैंने यहाँ पे हरभजन सिंह को लिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस करके एक सेफ टीम और ज़्यादा सेफ बना सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़े रिस्क इसलिए रखा है क्योंकि अगर मैं आपको रिस्क की टीम नहीं दूंगा तो आप तो सेफ टीम खुद ही बना लोगे। तो फ्रेंड मैंने कैप्टन इसलिए रखा है क्योंकि वो ओपनिंग करते हैं और बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी है। वाइस कैप्टन ड्रीम इलेवन के लिए स्पेशली शकीब हसन आपके लिए बहुत ही अच्छे सेफ ऑप्शन रहेंगे एज अ वाइस कैप्टन। आप चाहें तो किम विलियमसन को एज अ कैप्टन बना सकते हैं, धोनी को एज अ वाइस कैप्टन बना सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सुरेश रैना और शिखर धवन भी आपके लिए बहुत ही अच्छे चॉइस होंगे। लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ अगर आप ड्रीम इलेवन पर खेल रहे हो तो आपको ज़्यादातर जो है बॉलर को जो है लेना चाहिए, मिनिमम 4 बॉलर आपके टीम में होने ही चाहिए। तो फ्रेंड स्पिन फ्रेंडली पिच है तो मैंने यहाँ पे 3 स्पिनर को लिया है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, और मैंने 2 ऐसे फास्ट बॉलर को लिया है जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।